नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैंने जो है कुछ दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर वीडियो बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। उस वीडियो में जो है आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या है स्ट्रेंथ और क्या है वीकनेस। शुरू से लेके इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको रोज़ाना क्रिकेट और आईपीएल की खबरें चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम की स्ट्रेंथ की, क्या है कोलकाता की ताकत जो कि कोलकाता को बाकी टीम से अलग बनाती है। दोस्तों कोलकाता के पास जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही सारे मैच विनर बल्लेबाज मौजूद है, जहां पे दिनेश कार्तिक कैप्टन है, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, नीतीश राणा, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो है बल्लेबाज कोलकाता के टीम में मौजूद है। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर्स की, तो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सुनील नारायण, आंद्रे रसल और कार्लोस ब्रैथवेट, ये तीन जो ऑलराउंडर है वेस्टइंडीज के, ये तीनों कोलकाता के पास मौजूद है। तो दोस्तों कोलकाता के पास जो है उनके पास बल्लेबाज तो है ही, लेकिन जो वर्ल्ड के बेहतरीन ऑलराउंडर है वो भी कोलकाता के टीम में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता के गेंदबाजों की, तो यहाँ पर नाम आता है वो है कुलदीप यादव, पीयूष चावला, शिवम माबी, प्रसिद्ध कृष्णा और लोकी फर्गसन। दोस्तों लोकी फर्गसन जो है 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, न्यूजीलैंड का ये गेंदबाज है तो काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करता है। दोस्तों एक चीज़ जो है कोलकाता की टीम ने बहुत ही अच्छी की है कि जो आंद्रे रसल है, रसल का बैकअप उन्होंने कार्लोस ब्रैथवेट को चुन लिया है। रसल जो है कई बार आईपीएल के टूर्नामेंट के बीच में इंजर्ड हो जाते हैं, इसका जो है खामियाजा केकेआर को उठाना पड़ता है, लेकिन ये साल जो है कोलकाता ने उनका बैकअप जो कि कार्लोस ब्रैथवेट है उनको टीम में शामिल कर लिया है। तो बात कर लेते हैं कोलकाता की दिक्कत की, तो क्या कोलकाता की दिक्कत हो सकती है। देखिए दोस्तों कोलकाता के पास जो है रसल भी है और ब्रैथवेट भी है। अगर दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोलकाता के पास अभी भी एक बहुत ही अच्छे मैच विनर जो फिनिशर है उसकी कमी खलने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो रसल है वो हर बार आपको मैच फिनिश करके नहीं देंगे और जो ब्रैथवेट है उनका अभी तक फिक्स नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे नाम अच्छा आता है वो है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक जो है लगातार अच्छे टाइमिंग से जो है कोलकाता के लिए और टीम इंडिया के लिए बहुत सारे मैच को फिनिश किए हैं, तो ये जो है कोलकाता के लिए अच्छी बात होने वाली है। और दोस्तों बात करें गेंदबाजों की, तो दोस्तों पीयूष चावला और जो कुलदीप यादव है सिर्फ ये दो ऐसे गेंदबाज है जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, और जो बाकी के गेंदबाज है कोलकाता की टीम में वो बहुत ही यंग है। बात करें शिवम मावी, लोकी फर्गसन, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको जो है आईपीएल का ज़्यादा अनुभव नहीं है। अगर दोस्तों कहीं ना कहीं ये गेंदबाज मार खाने पर आ गए तो बहुत ही ज़्यादा रन भी उठा सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो कोलकाता की दिक्कत है वो है उनके अनएक्सपीरियंस गेंदबाज, लेकिन दोस्तों कोलकाता के लिए बेनिफिट ये है कि उनके पास नारायण, रसल और ब्रैथवेट, ये तीन ऐसे गेंदबाज है जो कि इनको बैकअप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कोलकाता की टीम बहुत ही बैलेंस और बहुत ही सेटल दिखाई पड़ती है। ये थी एक छोटी सी वीडियो कोलकाता के टीम के ऊपर स्ट्रेंथ और वीकनेस को, आगे जो है और भी टीम के ऊपर बनाऊंगा। आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, हो सके तो शेयर कर दीजिए। क्रिकेट की अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।